गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ. सो वी कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन सेकेंड. राइट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. आपको ये गिवन जो अनलाइक फ्रैक्शन है उनको किस में लिखना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग. अब अगर यहाँ लाइक फ्रैक्शन दिया रहता है मीन्स डिनोमिनेटर अगर सेम दिया रहता है तो हम डायरेक्ट इसको असेंडिंग में लिख सकते थे, बट यहाँ आपको ये दिया है अनलाइक फ्रैक्शन. तो आपको पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे, देन आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो. ओके, सो वी स्टार्ट द क्वेश्चन. सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन सी करेंगे. 2/3, 5/7, 1/17, 1/3, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है. सो फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए आपको डिनोमिनेटर चेक करने पड़ेंगे. डिनोमिनेटर सारे डिफरेंट ही अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा. सो एलसीएम ऑफ 3/7/7/3 इज 21. अब ये 21 कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ. आप इसके सारे डिनोमिनेटर लिख लेंगे. ओके, अब आपको देखना है कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं. सो सबसे पहले हम 3 से करेंगे. 3 1 3, 7 3 से नहीं होता तो 7 को हमने एज इट इज़ नोट कर दिया. 3 1 3. अब 7 से करेंगे. 7 1 7, 7 1 7, 7 1 0. बेसिकली आपको यहाँ पर क्या लाना है, 1 1 लाना है. अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे जो भी फैक्टर है. 3 एलसीएम निकालने के लिए 3 × 7, 3 7 = 21. तो ये आपका एलसीएम आ गया 21. ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट फ्रैक्शन लेना है. फर्स्ट फ्रैक्शन लिया हमने 2/3. ओके, अब क्या करेंगे, जो आपका एलसीएम आया है 21 उसको आपको फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करना पड़ेगा. सो 3 7 = 21, यहाँ आपका आया 7. अभी 7 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 7 = 14 and 3 7 = 21. नेक्स्ट फ्रैक्शन लेंगे 5 7 लिखा है. अगेन आप एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. 7 3 = 21 और जो आपका आएगा आंसर उससे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. सो एलसीएम को डिवाइड करने पे आपका आया 3. सो 5 3 = 15 and 7 3 = 21. ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है. सो 15 21. नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1 7. अगेन एलसीएम को आप 7 से डिवाइड करेंगे. 7 3 = 21. ओके, सो 3 को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 3 = 3. 7 3 = 21. नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपका 1/3. अगेन 3 21 को आप 3 से डिवाइड करेंगे. सो 7 आया. सो 1 7 = 7 and 3 7 = 21. अब आप यहाँ देखेंगे कि आपके सारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके. अब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे. असेंडिंग सबसे स्मॉल नंबर, देन बिग नंबर, देन बिग नंबर. सो हमने यहाँ पर सबसे स्मॉल नंबर है 321. 321 लेस देन असेंडिंग ऑर्डर का साइन है. लेस देन 721, लेस देन 1421, लेस देन 1521. अब आप ये नंबर जिन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लिख देंगे. सो 321 मीन्स क्या हो गया है आपका 1/7 लिखा. लेस देन 721 आपका हो गया है 1/3 लिखा. लेस देन 1421 आपका हो गया है 2/3 लेस देन 1521 है 5/7. सो ये नंबर अब असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो चुके हैं. ओके, एज सिंपल एज आपको रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं. 4 क्वेश्चन दिए हैं, 2 के सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवाऊंगी, अदर देन 2 आपको सॉल्व करने हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन 3 है. राइट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब आपको यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन को किस में करना है, डिसेंडिंग. सिंपल है, सेम क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया था असेंडिंग में स्मॉल टू बिग में जमाना है, यहाँ आपको डिसेंडिंग में दिया है मीन्स इनको बिग टू स्मॉल में जमाना है. ओके, सो हम क्वेश्चन बी करेंगे. 2/5, 1/3, 4/15 and 1/2, इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है. सो फर्स्ट हम अगेन देखेंगे ये सभी किस में दिए हुए हैं, अनलाइक फ्रैक्शन में. तो इनको डिनोमिनेटर का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा. सो एलसीएम ऑफ 5 3 15 2 is 30. ओके, अब ये एलसीएम कैसे लेना है अगेन मैं आपको बताती हूँ. 5 3 15 and 2. अब आपको देखना है ये नंबर किससे डिवाइड होगा. सो 5 1 = 5. 3 5 की टेबल में नहीं आता तो हम 3 एज इट इज़ लिखेंगे. 15 5 की टेबल में आता है. 5 3 = 15. 2 5 की टेबल में नहीं आता है तो 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया. देन हम 3 से करेंगे. 3 1 = 3. 3 1 = 3. 2 3 की टेबल में नहीं आता है तो हमने 2 एज इट इज़ लिख दिया. देन 2 से
वन ज़ा टू। अब एलसीएम निकालने के लिए हमको इनका मल्टीप्लाई करेगा, फाइव मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, फिफ्टीन टू ज़ा थर्टी। सो इनका एलसीएम क्या आ गया, थर्टी। तो नेक्स्ट हम फ्रैक्शन लेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन लिया हमने टू फिफ्थ। अब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और आपको एलसीएम को डिवाइड करना है। एलसीएम है थर्टी और डिनोमिनेटर है फाइव, फाइव सिक्स ज़ा थर्टी। तो आपका आंसर क्या आया, सिक्स। सिक्स को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया है, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, फाइव सिक्स ज़ा थर्टी। नेक्स्ट फ्रैक्शन लिया वन थर्ड, अगेन थर्टी को हमको किससे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा, थ्री टेन ज़ा थर्टी। अब इस टेन को हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, वन टेन ज़ा टेन, थ्री टेन ज़ा थर्टी। नेक्स्ट फ्रैक्शन लिया हमने फोर फिफ्टीन, देन फिफ्टीन को हम थर्टी को डिवाइड करेंगे फिफ्टीन से, फिफ्टीन टू ज़ा थर्टी। आपका आंसर आया टू। टू को हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, फोर टू ज़ा एट, फिफ्टीन टू ज़ा थर्टी। नेक्स्ट लास्ट फ्रैक्शन है वन टू, तो वन उसको भी हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, टू वन ज़ा टू, टू फाइव ज़ा टेन। सो आपका आंसर आया फिफ्टीन। फिफ्टीन को हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, वन फिफ्टीन ज़ा फिफ्टीन, टू फिफ्टीन ज़ा थर्टी। अब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको जमाने के लिए सबसे पहले बिग देन स्मॉल देन, तो इनमें सबसे बिग नंबर है फिफ्टीन थर्टी। सो फिफ्टीन थर्टी इज़ ग्रेटर देन ट्वेल्व थर्टी, इज़ ग्रेटर देन टेन थर्टी, इज़ ग्रेटर देन एट थर्टी। अब आप इन नंबर्स को जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लिख देंगे। सो फिफ्टीन थर्टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वन टू को। सो वन टू देन ट्वेल्व थर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है टू फिफ्थ को, टू फिफ्थ इज़ ग्रेटर देन टेन थर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है वन थर्ड को, देन एट थर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है फोर फिफ्थ को। तो ये हमने नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया। सेम एज मैं आपको इसमें भी फोर क्वेश्चन हैं, दो के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, नेक्स्ट टू आपको एच डब्ल्यू में करने हैं। ओके okay?